बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातुवस्सलाम अलैका या खातमुन नबीन। मैं समझता हूँ कि फॉर्मर चेयरमैन और साथियों ने जिस टॉपिक पे बात की है वो बड़ी ही इस वक्त की अहम ज़रूरत है और इंतहाई सेंसिटिव है। मैं थोड़ा सा जनाब चेयरमैन हाउस को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि कुछ नंबर मेरे भाई रज़ा रवानी साहब ने भी दिए कि ये एक सिचुएशन थी 2013 तक कि दुनिया कहना शुरू हो गई कि क्या पाकिस्तान कभी अपने मुल्क के अंदर जहां टेररिस्ट के बेसिस हैं और पर्टिकुलर उनका रेफरेंस होता था टुवर्ड्स नॉर्दर्न एरिया, क्या पाकिस्तान कभी उनके खिलाफ एक्शन ले सकेगा। नंबर दो, वो ये कहते थे कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत एक मिलिट्री हुकूमत होने के बावजूद उसने नहीं लिया और प्रॉब्लम बढ़ा और उसके बाद भी हम मीनिंगफुल एक्शन जो कि दुनिया देखती वो नहीं ले सके। मैं उन मीटिंग्स में मौजूद था, ये साइड लाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग्स होती थी और इसमें कुछ उन लोगों में से आज यानी बहुत इंपॉर्टेंट सुपर पावर्स के स्टेट के तमाम प्रोसेस में इंपॉर्टेंट पोजीशन पे इस वक्त बैठे हुए। तो मुल्क ने, आवाम ने, कौम ने, मैं समझता हूं कि एक अच्छा फैसला किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2014 का बजट पास हो चुका था और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये प्रपोजल आया कि जी ज़र्ब अज़ब के अगेंस्ट वो जो एक दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान कभी नहीं कर सकेगा या नहीं करता पिछले डेढ़ दिहाई में, वो करने के लिए एक कंसिडरेशन। जाहिर है कि ऐसे काम बड़े हैवी कॉस्ट, इनिशियल एस्टीमेट था वो को 100 बिलियन था इनिशियल एस्टीमेट, लेकिन ये 4 साल फिर फाइनेंस हुआ और रफली 100 बिलियन ए ईयर। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे बहादुर फौजी शहीद हुए मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, लेकिन के साथ साथ मैं समझता हूं कि हमें वक्त ज़ाया किए बगैर एक एज ए कौम फौरी तौर के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। हमने सितंबर 2013 में यानी 3 महीने हुए थे मियां नवाशी साहब को अभी वजारत उज़्मा का चार्ज संभाले, तो कराची की रोशनियां वापस लाने के लिए जहां 8 बजे के बाद बाहर निकलना बहुत बड़ा एक रिस्क होता था, लोग लुट जाते थे और कई दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, तो कराची से ये काम शुरू हुआ मुल्क में अमन लाने वाला। और ये कोई अननोन नहीं था, मुस्लिम लीग नून ने डिक्लेयर किया था कि हमारा 3 E's का प्रोग्राम था, 2013 का जो प्लान था, हम इकोनॉमी को फिक्स करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी जो 18 घंटे की लोड शेडिंग को फिक्स करेंगे और हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हम अपना पूरी कुव्वत के साथ एज ए कंट्री हम इसके खिलाफ जिहाद करेंगे और लड़ेंगे। तो कमिंग बैक टू द 30, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सितंबर से वो शुरू हुआ और आपने देखा कि 1.5 साल के अंदर वो जो कराची 8 बजे के बाद बंद हो जाता था वहां रात की रोशनियां वापस आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें करीबन 1.5 साल में काफी ज्यादा अमन कायम हो चुका था और ये जो इंसिडेंट थे बहुत कम हो गए। कमिंग टू दी ज़र्ब अज़ब, ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, मियां नवाशी साहब की क़यादत में ये फैसला हुआ। मुझे पूछा गया कि क्या आप इतना बड़ा फाइनेंसिंग कर सकेंगे, मैं कहा इंशाल्लाह करेंगे और मैंने जैसे अर्ज किया कि 100 अरब रुपए सालाना की फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड थी, उस वक्त तो ख्याल था 1 साल लेकिन ये करीबन 4 साल फाइनेंसिंग हुई। और आपने देखा कि उसके नतीजे में अल्लाह के फजलो करम से उसके बाद मुल्क के अंदर क्लीन अप करने के लिए रद्दुल ज़र्ब अज़ब के बाद रद्दुल फसाद को शुरू किया गया थ्रू आउट द कंट्री, इंटीरियर में और इंटरनल सूबों में, उसके अपने एक मजीद उसमें बेहतरी आई। और अगर आप हुकूमत को कहें, केयर टेकर भी ला के यहां एक इन कैमरा ब्रीफिंग दे सकती है, आप स्टेटिस्टिक्स देखें, नंबर्स विल स्पीक कि कहां 2013 में था, 14, 15, 16, 17 हम कहां पहुंच गए थे। लेकिन
एक चेंज ऑफ पॉलिसी आई 2018 के बाद, और उसके बाद मैं अर्ज करूंगा फास्ट फॉरवर्ड कि आपने देखा कि वहां तालिबान की हुकूमत आती है और हमारे जिम्मेदारान वहां पहुंच जाते हैं और कैमरा उनको कैप्चर करता है और हमें पता चलता है कि वहां पहुंच के बातचीत हो रही है और उसके बाद वहां बात खत्म नहीं होती। हंड्रेड्स ऑफ हार्डन्ड टेररिस्ट वर फोर्स टू रिलीज अंडर दैट अंडरस्टैंडिंग इन काबुल। वो क्या है, कोई इस कौम को बताएगा कि वो क्यों किया गया? मैं समझता हूं कि ये वो तमाम एक यू टर्न पॉलिसी जो हमने ली, जो उनको एंगेज किया, जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स, जो हार्डन्ड टेररिस्ट थे उनको हमने रिलीज किया, और उसके बाद आप देखें कि हर महीने, हर हफ्ते, हर महीने एक नया नंबर आपके सामने आ रहा है। मैं दुख से के साथ ये कहता हूं कि ये एक इंतहाई सीरियस मसला है। ये हमारे और हमारी पूरी कौम के जानो माल का मामला है, उनका तहफ्फुज का मामला है। कोई सेफ नहीं है, किसी को कोई पता नहीं कि किस वक्त कौन सा। अब यह मियां वाली देखे क्या हुआ, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने हाउस चलाने का प्लान किया हुआ है, आप केयर टेकर निगरान हुकूमत के वजीर साहब तशरीफ रखते हैं, आप फैसला करें, इनको कहें कि इन कैमरा आके ब्रीफिंग दें, पूरी हिस्ट्री दें, पूरे हमें नंबर्स दें, एंड वी विल बी यू नो ए पोलिटिकल होकर उसको देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है, इनको एडवाइस करें। अगर कोई ये कहता है कि नहीं अभी ठहर जाए, अभी 8 फरवरी का इंतजार करें, इन चीजों में इंतजार नहीं होते जनाबे चेयरमैन, एवरी मिनट काउंट्स एंड एवरी सेकंड काउंट्स। तो आप फिक्स करें, मैं समझता हूं कि ये इस वक्त की जरूरत है, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास डाटा अवेलेबल है, ये सब चीज लाके आपको आपके सामने रखेंगे। ये वो भी आप देखेंगे कि जब आपने ये काम किया कि उनको एंगेज कर लिया, आप काबुल में जाके उनसे मुज़ाकरात आपने कर लिए, और उसके बाद आपने हार्डन्ड टेररिस्ट को पाकिस्तान की जेलों से रिहा करवा दिया, तो उसके बाद एक ये हमें ये जो है ना अपराइज होती जा रही है, बंद नहीं हो रही। तो इस टॉपिक में मैं ये गुजारिश करूंगा। बहरहाल मेरे भाई ने चूंकि बहुत वो अच्छी बातें की है 172 के हवाले से, उन्होंने कहा कि ना PPP ने कोई उस पर किया और ना PMLN ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमने इकट्ठे काम किया, ये हमारी नेगोशिएशन का हिस्सा था, और ये वी हैव टू बी रियलिस्टिक। हमने इस टॉपिक के ऊपर ये कहना कि काम नहीं किया, PMLN ने काम किया। आई एंगेज्ड विद द बलोचिस्तान गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली डॉक्टर मालिक वॉज द चीफ मिनिस्टर, आप उनको बुला के इन्वाइट करके कमेटी में या जिस दिन यह बात कर सकते हैं। देखें, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, ये कोई नेशनलाइजेशन नहीं है इस आर्टिकल के बाद के अक्रॉस दी बोर्ड सुबह उठ के OGDC के आप 50% शेयर उनको ट्रांसफर कर दें, आप PPL के ट्रांसफर कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें स्टेक होल्डर और लिस्टेड कंपनीज हैं। तो ये मैंने उनको समझाया, मैं अपने भाई से भी बात करके एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड दे अंडरस्टूड। हां, फ्यूचर के लिए लुक एट द रिकॉर्डिंग, दे गॉट द 50%, दे आर नॉट इवन पेइंग दैट मनी, दैट ओ पैसे जो हैं वो कंपनी से दिलवाए गए हैं, मिल रहा है और मिलना चाहिए। आई एंडोर्स हिज डिमांड इन प्रिंसिपल, लेकिन ये कहना कि 172 सब आर्टिकल 3 पे अमल नहीं हुआ या किसी ने नहीं देखा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही इज अ वेरी डियर ब्रदर, हुआ है। आई हैव बीन एक्सटेंसिवली एंगेज्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड, दे वर डिमांडिंग कि जी हमें ये कल सुबह 50% शेयर ट्रांसफर कर दो, कैसे हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज, हाउ कैन यू लिस्टेड कंपनी का सुबह, ये तो नेशनलाइजेशन वाली बात हो जाएगी ना, टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। तो वो फ्यूचर के लिए येस वी मेड श्योर any transaction which takes place after 20 June 2013, aur humne dekha ki abhi recording ke bare mein usi wajah se Balochistan ko 50% jo hai us pe shares diye gaye hain aur without making any payment because it is their right, main bilkul inko second kar raha hu, I was part of his committee as 18th amendment mein ye cheeze hui hain, to I endorse while endorsing it, I'm making a clarification that we did our best and it is based on the internationally acceptable principles of accounting as well as the finance. Thank you very much, Chairman. Senator Bairam Thangi. Thank you, Chairman.